नवी मुंबई पनवेल के श्री भगवती साई संस्थान में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। अयोध्या से पधारे पूज्य दिव्यांशु महाराज यहाँ श्री राम कथा का संगीतमय प्रवचन कर रहे हैं, जहाँ हर दिन सैकड़ों भक्त यहाँ आस्था की गंगा में सराबोर हो रहे हैं। संचालकों ने 10 अप्रैल तक चलने वाला इस आध्यात्मिक अनुष्ठान का लाभ उठाने का आह्वान किया है। देखिए रिपोर्ट। पनवेल के श्री साई नारायण बाबा आश्रम में 9 दिवसीय राम कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है। गुड़ी पाड़वा से प्रारंभ हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में अयोध्या से पधारे पूज्य दिव्यांशु महाराज भक्तों को भगवान श्री राम की कथा का रसपान करा रहे हैं। भगवती साई संस्थान पनवेल द्वारा पहली बार आयोजित इस तरह की राम कथा 10 अप्रैल तक चलेगी। आज यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने नाचते गाते हुए श्री राम जन्म का उत्सव मनाया। पूज्य दिव्यांशु महाराज ने कहा कि कलयुग में श्री राम कथा ही कलुष मिटाकर कल्याण करने का साधन है। बाबा की तपस्थली है, ऐसी पावन तपस्थली पर बैठकर हम और आप राम कथा का गायन कर रहे हैं। ये ठाकुर जी की बड़ी कृपा है और मैं सभी से कहना चाहूँगा, निवेदन मेरा है कि सब लोग आवें, धर्म के कार्य में जुड़ें और सब भगवान की कथा का रसपान करें और अपने जीवन को, मानव जीवन को कृतार्थ करें और धन्य बनाएं। यहाँ पे जो श्रोता हैं, देखिए श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं और हमको लगता है एक श्रोता होता है, एक सोता होता है, एक सरोता होता है। तो यहाँ पे केवल और केवल हमको श्रोता ही मिल रहे हैं। इतना आनंद आ रहा है कि आपसे क्या बताएं, जिसका अनुभव मतलब हम लोग पूरी दुनिया में भ्रमण कर ही रहे हैं पोथी जी के सहारे, लेकिन यहाँ का अनुभव ही कुछ और लग रहा है। वहीं भगवती साई संस्थान पनवेल के चेयरमैन खेमचंद गोपलानी और सेक्रेटरी रामलाल चौधरी के नेतृत्व में आयोजित राम कथा आयोजन की जानकारी देते हुए ट्रस्टियों ने भक्तों से इस अनूठे आध्यात्मिक आयोजन का लाभ उठाने का आह्वान किया। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा के आशीर्वाद से संस्थान में श्री रामचरितमानस राम कथा का आयोजन किया गया है। इसके लिए विशेष अयोध्या से दिव्यांशु जी महाराज पधारे हैं। ये न्यू बॉम्बे में पहली बार हो रहा है, तो हम सबसे आह्वान करेंगे कि सब आकर इधर 5 से 8, 2 तारीख से ये 10 तारीख तक चलेगा, शाम 5 से 8 बजे आकर कथा का लाभ ले। और यहाँ पर संस्थान ने सबके लिए महाप्रसाद का भी व्यवस्था किया है, उसमें आके सब लाभ ले। परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा के परमो पवित्र आत्मिक उपस्थिति में आज श्री भगवती साई संस्थान श्री नारायण बाबा आश्रम पनवेल में संस्थान पहली बार ये राम कथा श्री रामचरितमानस के पारायण पाठ रखा है श्री रामनवमी उत्सव के उपलक्ष में। श्री भगवती साई संस्थान की ओर से उनको हार्दिक निमंत्रण है कि इस श्री रामचरितमानस के कथा में वे अवश्य शामिल होकर श्री रामनवमी उत्सव में श्री राम जन्म के कथा में शामिल होकर वे अवश्य ही लाभ उठाएं। प्रत्येक दिन इस पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और इस कथा से लाभ पा रहे हैं। ये जगत गुरु साई नारायण बाबांचा आश्रम है। या दरबारात वर्षभर वेगवेगळे कार्यक्रम होत असतात। या वर्षी प्रथम तास संस्थानच्या इतिहासात श्री राम कथेचं आयोजन केलेलं आहे। भरपूर भक्त लोक येतात आणि ह्या कार्यक्रमात सामील होतात आणि लाभ घेतात। आमचे परमपूज्य गुरुजी जगद्गुरु साई नारायण बाबा आत्मिक धोरणे हा कार्यक्रमात उपस्थित आहे, त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाचं एवढं रंगत येते। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।